नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं मोमिनपुरा के कब्रिस्तान में, जहां पे डेड बॉडीज की लाइन लगी हुई है। तो आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि यहां पे दिन में कितने बॉडीज आते हैं, और कोरोना के ऐसे ये जो महामारी अभी चल रही है उसमें शमशान घाटों की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि बॉडीज जो है वो वेटिंग पे चल रही है। तो कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका दिन में कितने डेड बॉडीज देखने को मिलती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इम्तियाजुद्दीन अख्तर है। मैं जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी का ट्रेजरर हूँ, और एनजीओ से हमको जो है ये काम लिए हमने, एनजीओ के थ्रू कॉरपोरेशन की तरफ से मुस्लिम जो डेड बॉडी होती है उनका अंतिम संस्कार जो है हम लोग करते हैं। आज मुस्लिम समाज की 9 मैयतें हुई है, और वैसे तो 85 मौतें हैं टोटल आज नागपुर के अंदर। और ये जो मुसलमानों की जो डेड बॉडी है उसको हम अपने पूरे यानी जो हमारे आदाब उसूल के साथ हम इनको यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर तफ़ीम करते हैं। पर्टिकुलर आज कितनी डेथ्स हुई, मतलब कितने ये है? आज 9 डेट मुसलमानों की, और वैसे टोटल 85 डेट है आज, यानी पूरा नागपुर के अंदर टोटल 85 मौतें हुई है। कहाँ कहाँ से आते हैं? ये मेवा हॉस्पिटल, मेडिकल एलेक्सेस हॉस्पिटल, जितने लोग जितने हॉस्पिटल है जहाँ कोरोना वार्ड बना हुआ है हर जगह से हम बॉडी लेकर आते हैं। कुछ डेड बॉडीज वेटिंग पे भी है क्या? अभी 4 डेड बॉडी है जो वेटिंग पे है, जो रात में 8 बजे तक के उनका हम क्रियाकर्म करेंगे अपने रीति रिवाज के हिसाब से। आप किस तरीके से प्रिकॉशंस लेते हैं? हम गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कॉरपोरेशन की, पीपी किट वगैरह पहन के हम, और बाकायदा ग्लव्स रहते हैं, हैंड ग्लव्स रहता है, और मास्क और पीपी किट के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए हम वो बॉडियों को तफ्तीश करते हैं। और 4 से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर हम इजाज़त नहीं रहती कॉरपोरेशन की तरफ से, उतने लोग हम रहते हैं और उनका पूरा संस्कार अंतिम संस्कार करते हैं। उस लोग वगैरह आने के लिए होते हैं, मगर गाइडलाइन के हिसाब से हम जितने लोगों की इजाज़त है उतने लोगों को ही लेकर आते हैं। दूर से दीदार करा देते हैं उनको, जो रिलेटिव रहते हैं दूर से, सोशल डिस्टेंस रख के उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए। किस तरीके से आती है, मतलब पूरी बॉडी पैक होके आती है? जी हाँ, पीपी किट पहने हुई रहती हूँ, और हम लोग भी सारी तैयारी से उसे उठाते हैं, लेके जाते हैं, 1 फीट या 2 फीट के अंतर में उनको हम दीदार करा देते हैं, फिर दफन करा देते हैं। बॉडी के साथ परिवार के मतलब घर तक लेके जाते हैं या हॉस्पिटल से डायरेक्ट? नो, ये गाइडलाइन इसका रूल यानी का हमारे को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि घर तक लेके जाए, अब वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है ना। नागरिकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ये महामारी की? बस यही है कि सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंस में रहे और अच्छे से रहें, मास्क उपयोग करें, पीपी किट पहने। जरूरत COVID-19 है वैसे, मैं क्या बताऊं आपको, हम तो उसी में हैं। आज 1 साल हो रहे हैं ना, 21 एक साल हो रहे हैं हम लोग देख ही रहे हैं। 1 साल से अब तक आपको क्या फ़र्क लग रहा है अभी इस दौरान? अभी इस दौरान तो फ़र्क कुछ नहीं लग रहा है, बस ये है कि अभी केसेस ज़्यादा है। पहले ऐसा था कि कॉरपोरेशन की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से लोग सोशल डिस्टेंसिंग में थे और अपने घरों के अंदर रहते थे, ज़रूरत मुताबिक निकलते थे। अभी लोगों के पास पैसा भी नहीं है और बिजनेस बंद है, सारे बिजनेस बंद होने की वजह से लोग जो है वैसा लॉकडाउन का पालन नहीं कर पा रहे। नहीं, चार्ज नहीं लेते हम संस्था की तरफ से, एनजीओ की तरफ से काम करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते। एम्बुलेंस वाले जो रहते हैं उनको पेट्रोल लगता है, मेंटेनेंस लगता है, तो उसके जैसे कि 500 हो गया, 1000 हो गया या 800 हो गया, इतना मिनिमम ले लेते हैं और उनको रुख्सत करा देते हैं। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।